हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेंथ ऑफ कर्व्स यानी कि रेक्टिफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं इस चीज़ का फॉर्मूला डेफिनेशन इसको इस वीडियो में आपको तो लगभग 3 सॉल्व प्रॉब्लम भी मिल जाएंगे, और आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको सारे जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए इस टॉपिक में वो भी सॉल्व करवाऊँगा। तो हमसे ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेंथ ऑफ कर्व्स यानी कि रेक्टिफिकेशन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक, तो डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो कहते हैं रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एन आर्क बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स ऑन द कर्व। ठीक है, हमारे पास सपोज कीजिए ये हमारा कार्टेशियन है, इसके अंदर एक कोई कर्व है, ये हमारा कोई कर्व है, ये दो पॉइंट हमारे पास है, इस पॉइंट को हमें मिलाना है और ये पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी उसे हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। ओके, तो यही चीज़ हमें फाइंड करनी होती है। कुछ चीज़ें आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ रखा होगा कि ds अपॉन dx ये होता है 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, यानी कि आपको इंटीग्रेशन कर देना है तो s स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, बस इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, ds से सिर्फ s आ जाएगा और ये जो dx था इधर आ जाएगा। dx यहाँ है यानी कि आपको dy अपॉन dx करना है। जब आप ds अपॉन dy लेंगे तो यहाँ dy आ जाएगा और dx अपॉन dy हो जाएगा। ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप वीडियोस को पॉज करके ज़रा लिख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, इन फॉर्मूलों को आपको लिख लेना है, लर्न कर लेना है। ये फॉर्मूले आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले मिस नहीं कर सकते आप, क्योंकि फॉर्मूला आप थोड़ा सा इधर उधर करेंगे आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर। ओके, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और ये तीनों क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और तीनों अलग अलग टाइप के हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व जो हमारा है वो है ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब फ्रॉम द वर्टेक्स हमारा जो है 0, 0 टू द पॉइंट a, a। यानी कि अगर देखा जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 से ए तक वेरी कर रहा है और वाई कोऑर्डिनेट 0 से ए तक वेरी कर रहा है। तो आप इसमें पहला और जो दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखा था इन दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उस दोनों ही तरीके से आपका हो जाएगा। अब क्या करना है, हमारा ये कर्व में ये दे रखा है, कर्व में दे रखा है, तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और वाई का डेरिवेटिव dy ओवर dx और इधर से क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और dy अपॉन dx क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर 2ay जो मल्टीप्लाई में था इधर आकर डिवाइड में हो गया। अब हमें इसका रेक्टिफिकेशन निकालना है, यानी कि रिक्वायर्ड आर्क की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, s इक्वल्स टू लिमिट 0 से a तक हो जाएगी क्योंकि 0 से a तक वेरी कर रहा है x, रूट के अंदर 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर dx जो फॉर्मूला है हमारा। dy अपॉन dx की जो वैल्यू हमें पता है ऊपर से यहाँ पर वो रख देंगे तो 3x स्क्वायर अपॉन 2ay का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर का हो जाएगा 9x की पावर 4, यहाँ से हो जाएगा 4a स्क्वायर y स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x क्यूब अपॉन a, बिकॉज y स्क्वायर क्या है, x क्यूब है, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, x क्यूब अपॉन a। अब y स्क्वायर के प्लेस पे जब x क्यूब अपॉन a रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस 9x अपॉन 4a। ठीक, ये चीज़ मिल जाएगी। इसको आप एलसीएम देके सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर मिल जाएगा 9x प्लस 4a अपॉन 4a, रूट के अंदर 4a रूट से बाहर आएगा तो 4 का तो 2 हो जाएगा और ये अंडर रूट रूट है। इंटीग्रेशन 0 से आपका हो जाएगा 9x प्लस 4a की आप पावर हाफ लिख सकते हैं रूट को dx, चूँकि ये लीनियर इक्वेशन है तो n प्लस 1 ऊपर होता है नीचे भी n प्लस 1 होता है, वही हम कर देंगे। तो यहाँ से n प्लस 1 यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/2, नीचे भी 3/2 और 9x का जो कोएफिशिएंट 9 है वो अपॉन में आ जाता है और लिमिट लग जाएगी 0 से a, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब क्या करना है आपको, 3/2 है तो ढंग से लिखेंगे 2/3 हो जाएगा और यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे और इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा a अपॉन 27 13√3-8, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि शो दैट द लेंथ ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू log sec x बिटवीन पॉइंट्स हमारा जो दे रखा है x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू π/3 इज log
2+√3 ये आपको बताना है। तो देखिए लिमिट हमारी x में दे रखी है, क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको फॉर्मूला dy/dx वाला ही यूज़ करना है, याद रखिएगा। तो ये हमारा y है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, log x का होता है 1/x, यानी कि 1/sec x, और sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x × tan x, sec x से sec x कैंसिल, तो बचेगा tan x। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है, h = लिमिट 0 से π/3 हो जाएगी जो दे रखी है, फॉर्मूला रूट के अंदर 1+dy/dx का होल स्क्वायर dx, dy/dx की वैल्यू हमारे पास tan x है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा tan²x, और 1+tan² होता है sec²x, sec²x रूट से बाहर आएगा तो sec x, और sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x + tan x, 0 से π/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यूज़ आपको पता ही होती है, sec π/3 की वैल्यू 2 और tan π/3 की वैल्यू 3, और इसकी वैल्यू क्या है, 0, sec 0 की 0, tan 0 की 0, और log 0 की वैल्यू 0, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, log 2+√3, जो कि आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, इफ h बी द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कैटेनरी, वाइस जो हमारा कैटेनरी दे रखा है, वाइस कस्ट टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी फ्रॉम द वर्टेक्स 0, c, जो हमारा वर्टेक्स है वो है 0, c टू द पॉइंट xy, शो दैट कि h²=y²-c² होगा, यानी कि जो हमारा लिमिट है वो 0 से कहाँ वेरी कर रहा है, x में कर रहा है, या फिर c से y में वेरी कर रहा है, तो आप किसी भी अप्रोच में कर सकते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में, h²=y²-c², इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। तो आपको पता ही होगा कैटेनरी क्या होता है, कैटेनरी ये होती है, ठीक, ये हमारा कैटेनरी है, इस चीज़ के लिए हमें बात करनी है। तो देखते हैं हमें y क्या दे रखा है, हमें y दे रखा है c cos hyperbolic x / c, ये हमारा y में रिलेशन है, ठीक, ये हमें दे रखा है, ठीक, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिल जाएगा, c तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा sin hyperbolic x / c, और x / c का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/c आ जाएगा, बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 होता है, c से c कैंसिल आउट, तो sin hyperbolic x / c आ जाएगा। अब फॉर्मूले में आ जाते हैं, h² हमारा क्या होता है, लिमिट x की 0 से x में है, फॉर्मूला लग जाएगा रूट के अंदर 1+dy/dx का होल स्क्वायर × dx, 0 to x इंटीग्रेशन 1+dy/dx की हमने ये वैल्यू रख दी जो भी हमने कैलकुलेट किया था। अब 1+sin hyperbolic² x क्या होता है, cos hyperbolic² तो ये आ जाएगा, अंडर रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, cos hyperbolic x / c, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा sin hyperbolic x / c, और x का कोएफिशिएंट क्या है हमें यहाँ पर 1/c है, तो वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, लिमिट लग जाएगी 0 से x, 1/c ऊपर आके क्या हो जाएगा c, और अपर लिमिट रखेंगे x की जगह पर, और sin hyperbolic 0 का मान तो 0 ही होता है, तो अपर लिमिट लिमिट माइनस लोअर लिमिट के जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा sin hyperbolic x / c। तो ये रिलेशन हमें s में मिल गया है। ज़रा ध्यान दीजिए, आपको प्रूफ क्या करना है, h² = y² है ना, तो y² - c² ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो स्क्वायर देख रहे हैं तो y² इधर है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, देखिए राइट में y² है ना, राइट का लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो मुझे ये आइडिया लग रहा है कि मुझे h को स्क्वायर करना है, y का स्क्वायर करके उसमें से माइनस करना है, तो वही मैं करूँगा, मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और जो सेकेंड है उसको मैं स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से माइनस हो गया, राइट वाला राइट से माइनस हो गया। तो यहाँ से देखिए c² क्या है आपका, कॉमन है, अंदर आ जाएगा cos hyperbolic² x / c - sin hyperbolic² x / c, और cos hyperbolic x / c - sin² hyperbolic x / c की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और c² × 1 यानी कि c², यानी कि y² - s² = c², जो कि आपको प्रूफ करना था। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी अच्छे अच्छे डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो देखने का धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।